हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में देखेंगे जेरेमी बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म का कंसेप्ट। देन स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। देन बेंथम, जो कि एक इंग्लिश फिलोसोफर, ज्यूरिस्ट, सोशल रिफॉर्मर एंड फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म थे, उनका जन्म 1748 में लंदन में हुआ था। वे प्रोफेशन से तो लॉयर थे, बट उन्होंने जो है कभी प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि उनका जो मन है वो फिलोसफी ऑफ लॉ पढ़ने में था, जिसे हम ज्यूरिसप्रूडेंस कहते हैं। वे पॉलिटिक्स एंड एथिक्स को एक साइंटिफिक बेस प्रोवाइड कराना चाहते थे, और इसी साइंटिफिक प्रिंसिपल को जो है वो अपनी इस थ्योरी में ढूंढने की कोशिश करते हैं। वे काफ़ी एक्सटेंसिवली लिखते थे, जैसे आर्टिकल, मैन्यूस्क्रिप्ट, लेकिन कमी यह थी कि वे कभी भी सिस्टमेटिक वे में नहीं लिखते थे। फिर बाद में जो है इन्हीं ऐसे डॉक्यूमेंट आर्टिकल को कंपाइल करके दो बुक लिखी गई, द फ्रेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन। उनकी पूरी एथिकल एंड पॉलिटिकल जो फिलोसफी है उसका बेस या आधार जो है ये दोनों बुक ही हैं। एंड बेंथम को जो है फाउंडर ऑफ स्कूल ऑफ थॉट माना जाता है, और वो स्कूल या फिर विचारधारा जिसे हम कहते हैं वो है स्कूल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। और इसके अंडर ही उन्होंने एक फेमस प्रिंसिपल दिया, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। आज भी इस प्रिंसिपल को जो है काफ़ी वाइडली यूज किया जाता है। देन उनकी जो फिलोसफी है उसे समझने से पहले हमें उनके जो अजम्पशन हैं उन्हें समझना होगा, जिसके बेस पर ही उन्होंने जो है अपनी पूरी की पूरी फिलोसफी दी है। देन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल गवर्नेंस। देन बेंथम कहते हैं कि नेचर ने ह्यूमन बीइंग को दो सोवरन मास्टर के अंडर रखा है, और ये मास्टर कौन है? प्लेजर एंड पेन। और यही दो मास्टर जो है डिसाइड करते हैं कि हम क्या करें और हमें क्या करना चाहिए। ह्यूमन बीइंग जो है बेसिकली प्लेजर सीकिंग एंड पेन अवॉइडिंग एनिमल है, मींस हमारी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्ट आखिर क्या होता है? प्लेजर या हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करना, ठीक है, और पेन को जो है अवॉइड करना। मींस बेंथम जो है यही कहते हैं कि हम वही काम करते हैं जहाँ से हमें प्लेजर मिलता है, एंड उन कामों से दूर भागते हैं, उन चीज़ों को हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं जिनसे हमें पेन मिलता है। इसे ही हम बेंथम की प्लेजर पेन थ्योरी कहते हैं। यह थ्योरी जो है डिस्क्रिप्टिव भी है एंड नॉर्मेटिव भी है, मीन्स ये डिस्क्राइब भी करती है कि लोग कैसे बिहेव करते हैं। इट्स एक्सप्लेन हाउ पीपल एक्चुअली बिहेव, जिसे हम साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म भी कहते हैं। एंड सेकंड एस्पेक्ट है नॉर्मेटिक एस्पेक्ट, ये बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। इट एक्सप्लेन हाउ पीपल शुड बिहेव, इस एस्पेक्ट को हम एथिकल हेडोनिज्म भी कहते हैं। और यह थ्योरी हमें यही बताती है कि हमें वही काम करना चाहिए जिससे हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्लेजर मिले, या ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो है आनंद की अनुभूति हो, मज़ा आए, और कम से कम जो है पेन प्राप्त हो, या हम पेन से दूर ही रहें। तो ये थे बेंथम के बेसिक एजम्पशन। अब हम देखते हैं द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। देन फर्स्ट ये जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू बेंथम यूटिलिटी का मीन्स क्या है। देन यूटिलिटी जो है एक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, एक्शन की या एक्टिविटी की, जिसके द्वारा जो है हमें बेनिफिट, एडवांटेज, प्लेजर या हैप्पीनेस मिलता है। अकॉर्डिंग टू एवरी एक्शन एंड बिहेवियर जो है राइट हैं, करने लायक हैं, जिसके द्वारा जो है हमारी प्लेजर या हैप्पीनेस को इंक्रीज किया जा सके। एंड वे सभी एक्शन जो है रॉन्ग हैं जिनसे हमें पेन मिलता है। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ राइट और रॉन्ग जानने का सही मापदंड क्या है, वो है यूटिलिटी। एंड यूटिलिटी मीन्स क्या है, वो है एबिलिटी जिसके द्वारा हमें प्लेजर एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। तो ये अजम्पशन प्लस इस प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी को मिलाकर ही हम जो है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म कहते हैं। नाउ फीचर, देन फर्स्ट फीचर है कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटर्मिनिस्टिक, मीन्स ये जो प्रिंसिपल है ये हमारी हर एक्टिविटी को, हमारे हर एस्पेक्ट को जो है कवर करता है। मीन्स हम जो भी करते हैं उसका अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन हम इस प्रिंसिपल के द्वारा दे सकते हैं। फिर सेकंड है कॉन्सिक्वेंस लिस्ट, मीन्स हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उसका अल्टीमेट मोटिव जो है वो रिजल्ट पर ही फोकस करता है, उसके कॉन्सिक्वेंस पर ही फोकस करता है। फिर है क्वांटिटेटिव, मीन्स इस प्रिंसिपल को जो है क्वांटिफाई किया जा सकता है, हमारी एक एक्टिविटी से हमें कितनी यूटिलिटी मिलती है ये हम मेजर कर सकते हैं। बट ये नॉट सिमिलर टू ईगोइज्म और सेल्फ रिस्पेक्ट है। मीन्स यूटिलिटेरियनिज्म जो है
यूटिलिटेरियन का जो कंसेप्ट है वो ईगोइज्म का कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू बेंथम यूटिलिटी को कैसे मेजर किया जा सकता है। इसके लिए जो है इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है जिसे हम कहते हैं फेलिस इफेक्ट कैलकुलस। यहाँ इन्होंने 7 डायमेंशन दिए जिनसे हम यूटिलिटी मेजर कर सकते हैं, जैसे हम वेट और हाइट वगैरह को चेक करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने पहले जाना कि बेंथम को ऐसा लगता है कि उन्हें एक साइंटिफिक फार्मूला मिल गया है जिसके बेस पर जो है एथिक्स, पॉलिटिक्स एंड लॉ को जो है एक्सप्लेन किया जा सकता है, और वो फॉर्मूला है द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। और ये प्रिंसिपल जो है पूरी तरह से साइंटिफिक तब बनेगा जब हम इसे मेजर कर सकेंगे। तो इसके लिए जैसा कि उन्होंने 7 डायमेंशन दिए, फर्स्ट है इंटेंसिटी, मींस हमें जो प्लेजर मिल रहा है उसकी इंटेंसिटी क्या है, वह कितना ज़्यादा या कम या थोड़ा मिल रहा है। सेकेंड है ड्यूरेशन, मींस प्लेजर जो है कितने लंबे टाइम तक आप मिल रहा है। थर्ड है सर्टेनिटी, मींस इस बात की कितनी सर्टेनिटी है कि उस एक्टिविटी को करने के बाद हमें प्लेजर मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात की कितनी श्योरिटी है। फोर्थ है प्रोपिंक्विटी, मींस एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं उससे प्लेजर जो है कितने टाइम में मिलेगा या कितनी जल्दी मिलेगा, मींस क्या एक्टिविटी के साथ मिलेगा या एक्टिविटी करने के बाद मिलेगा या एक्टिविटी करने के बहुत दिनों बाद मिलेगा। फिफ्थ है फेक्युंडिटी, मींस क्या इससे हमें कोई एडिशनल प्लेजर भी मिल सकता है मेन प्लेजर के अलावा। सिक्स्थ प्योरिटी, मींस जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं उससे जो है प्योर प्लेजर ही मिलेगा ना, कहीं उससे पेन तो मिक्स नहीं होगा उस प्लेजर में, इसलिए प्योरिटी। सेवन एक्सटेंट, मींस इससे जो है कितने लोग इफेक्ट होते हैं, इसकी एक्सटेंट कहाँ तक है। तो इस पॉइंट से हमें पता लगता है कि यह एक ईगोइज्म का कंसेप्ट नहीं है। यहाँ बेंथम बात करते हैं ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस की, मींस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हैप्पीनेस दे सकें हमें ऐसे काम करना चाहिए। अब हम देखते हैं द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल। ठीक है, तो वे सभी एक्शन जो हैं सही हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हैप्पीनेस प्रमोट करते हों। एंड जो बेंथम है वो क्वांटिटी ऑफ प्लेजर पर जो है फोकस करते हैं, वो क्वालिटी पर फोकस नहीं करते। वे कहते हैं कि एक बच्चे द्वारा खेले जाना वह खेल पुष्पिन जो है, एंड किसी एडल्ट द्वारा बड़े पर्सन द्वारा पोइट्री पढ़ना, इन दोनों से जो मिलने वाला प्लेजर है वो सेम है, बराबर है। नाउ एनालिसिस, तो बेंथम को एक एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है क्योंकि वे अपने आइडियाज़ को एक्सट्रीम तक ले जाते थे और अपने आइडियाज़ को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए भी किसी भी हद तक जा सकते थे। ठीक है, सेकंड, वे ओनली क्वांटिटी ऑफ प्लेजर पर फोकस करते हैं ना कि क्वालिटी पर, जो कि एक इम्प्रैक्टिकल चीज़ है। एंड थर्ड, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल में, ठीक है, जो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस का जो प्रिंसिपल है वो भी कहीं ना कहीं जो है माइनॉरिटी का जो इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको बेंथम जो है कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं इस प्रिंसिपल के अंदर, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल के अंदर। एंड फोर्थ है, हम लिख सकते हैं इसमें नहीं है, कि बेंथम जो हैं कलेक्टिवली सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हैप्पीनेस कैसे दी जाए, वे इंडिविजुअल लिबर्टी पर फोकस नहीं करते।